सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो कल यहाँ पे था एसर गेमिंग लीग सीजन 2 का ग्रैंड फाइनल्स का लास्ट डे, और इसको जीत लिया हमारी बिग ब्रदर स्पोर्ट ने। ये तो फाइनल सबने देखा ही होगा, और इसका पॉइंट टेबल भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी बिग ब्रदर स्पोर्ट इसकी चैंपियन बनी। लेकिन इस टूर्नामेंट से कुछ रिलेटेड मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप एकदम शॉक हो जाओगे, और आपको थोड़ा फनी भी लगने वाला है ये चीज़। तो यहाँ पे हम कल चलते हैं कल के 11 मैच में, मतलब कल के डे 2 के 5 मैच में। और यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट्स टेबल, तो यहाँ पे टीम माफिया और टीएसजी आर्मी दोनों टेबल में सबसे ऊपर थी। दोनों के प्लेसमेंट, दोनों के टोटल पॉइंट्स इक्वल थे, और ये टीम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की पोजीशन पे थी। और जहाँ तक बात की जाए बिग ब्रदर स्पोर्ट की, तो बिग ब्रदर स्पोर्ट यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे थी, और हमारी हेड हंटर फोर्थ पोजीशन पे दिख रही थी। और यहाँ पे जब इन दोनों टीमों के, टीम माफिया और टीएसजी आर्मी के पॉइंट्स बराबर थे, तो यहाँ पे चैट पे बहुत फनी चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे चैट में हम टीएसजी आर्मी और टीम माफिया के फैंस आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे थे, लड़ रहे थे कि मतलब यहाँ पे टीएसजी जीतने वाली है। टीम माफिया बोले बोले कि माफिया जीतने वाली है। तो यहाँ पे इसके बाद चालू होता है हमारा 12th मैच, और यहाँ पे होती है कुछ ऐसा कि हमारी टीएसजी आर्मी स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जाती है ओनली 2 किल्स के साथ। कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे टीएसजी आर्मी की जो टोटल पॉइंट्स हो गए वो 152 11वें मैच में थे। लास्ट मैच में 2 पॉइंट्स निकले, और यहाँ पे हमारी टीएसजी आर्मी के टोटल पॉइंट्स होते हुए 154। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि जब 154 पॉइंट्स में यहाँ पे टीएसजी का काम तमाम हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे पूरी तरह एंड हो जाता है उनकी टीम का यहाँ पे इस टूर्नामेंट से, मतलब आगे उनमें कोई भी पॉइंट्स ऐड नहीं होने वाले हैं, मैचेस ख़त्म। तो यहाँ पे टीम माफिया के फैंस यहाँ पे बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पे टीएसजी स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो गई, मतलब टीम माफिया के लिए दरवाज़ा खुल गया पॉइंट टेबल में टॉप करने का। लेकिन यहाँ पे भी फिर से एक नई चीज़ निकल के आती कि यहाँ पे हमारी टीम माफिया भी एलिमिनेट हो जाती है 9th पोजीशन पे, और केवल वो भी 2 पॉइंट्स प्राप्त करती है बिना किसी किल पॉइंट्स के। यहाँ पे हमारी टीम माफिया के भी पॉइंट्स होते हैं 154। लेकिन यहाँ पे हमारी हेड हंटर और बिग ब्रदर स्पोर्ट ने लास्ट मैच में बहुत कमाल का गेम प्ले दिखाया। हमारी बिग ब्रदर स्पोर्ट ने, जो कि यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में 5-6 पॉइंट से इन दोनों टीम से पीछे चल रहे थे, उसने लास्ट मैच में बुइया निकाला और कमाल का खेली लास्ट मैच। और इसी के साथ हमारी जो है टीम थी बिग ब्रदर स्पोर्ट इस टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई, और हेड हंटर सेकेंड पोजिशन पर आई। तो इन चीज़ों को देख के भाई बहुत फनी लग रहा था कि मतलब सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे टीएसजी या टीम माफिया इस टूर्नामेंट को विन करने वाली है, बट बिग ब्रदर स्पोर्ट ने यहाँ पे जो कमाल किया भाई वो अलग लेवल पे था। अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट के एमवीपी की, तो यहाँ पे आर्स और टीएसजी आयुष दोनों के किल पॉइंट्स इक्वल थे, बट यहाँ पे क्या ऐसा सीन है कि हेडहंटर्स जो थी वो टेबल पे ऊपर थी, जिसकी वजह से एमवीपी का खिताब यहाँ पे हमारे अर्श को दिया गया। अर्श ने बहुत बेहतरीन गेम प्ले दिखाया यहाँ पे हेडहंटर्स की तरफ से। तो ये टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट था। लास्ट के मैच एकदम बहुत ही कमाल के मैच थे, समझ नहीं आ रहा था कि कौन टीम यहाँ पर चैंपियंस बनने वाली है। तो कमाल का टूर्नामेंट था। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी आप क्या लग रहा था कि ये टूर्नामेंट कौन जीतने वाला है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।